सिर्फ इस उंगली के सही इस्तेमाल से क्या हम अब आने वाले 5 सालों का फैसला नहीं कर सकते? एक एक वोट बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तारीख में ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट खड़ी हुई है इलेक्शन में, एंड आई एम प्राउड कि आप नयाब अली जी आप खड़ी हुई है इलेक्शन में। हेलो एवरीवन, सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं हूं आपकी अपनी जरीन राजपूत, एक ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट एंड यूट्यूबर फ्रॉम मुल्तान, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि कैसे हम इस उंगली का इस्तेमाल करके अपने आने वाले 5 सालों का मुस्तकबिल डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, हम इस उंगली का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सबसे यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस उंगली की अहमियत को जानते हैं कि क्या है हमारी इस एक उंगली की अहमियत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अगर आप कहीं भी देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, एंड इसके अलावा सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल जरीन राजपूत फॉरदेसरा को और दबा दें बेल आइकन को ताकि आपको हमारी कोई भी व्लॉग मिस ना हो। हाँ, तो बात हो रही है इस एक उंगली की कि कैसे आप इस उंगली को हर जगह इस्तेमाल करते हो, लेकिन जहाँ पर बात होती है हक की आप उस जगह इस उंगली को इस्तेमाल नहीं करते। और किसी जनरल स्टोर या फिर करियाना की शॉप पर जब आप जाते हैं तो कितने सवाल करते हैं कि भाई जो आप मुझे प्रोडक्ट या जो मसूर की दाल या किसी भी चीज़ आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसमें कहीं कंकर तो नहीं है, उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप दूध लेने जाते हो तो कितने सवाल करते हो, कितनी उंगलियां करते हो कि भाई इस दूध में कहीं पानी तो नहीं मिलाया हुआ, कहीं ये दूध केमिकल वाला तो नहीं है? इस उंगली का इस्तेमाल आप कब भी करते हैं जब एक सिर्फ 5 या 10 रुपए का आप एक पेन लेते हैं, कितना उसको घिसते हैं, कितना आप उसको घिसाते हैं, लेकिन इस उंगली का इस्तेमाल आप तब नहीं करते अभी मजा आएगा ना भिड़ो जब आपने अपने 5 सालों के मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। इस उंगली का इस्तेमाल तो आप तब भी करना पसंद करते हैं जब 1 लाख से 1.5 लाख या फिर इससे ज्यादा पैसों की आप एक मोटर बाइक खरीदते हैं। उस मोटर बाइक को खरीदते वक्त आप उसके ऑनर से पूछते हैं कि भाई आपने जो मुझे मोटर बाइक दे रहे हो क्या इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है या फिर नहीं, इसकी क्या क्वालिटी है? लेकिन हम इस उंगली का आखिर क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों ये फैसला नहीं कर पाते कि हमारी इस उंगली के सही इस्तेमाल से, सिर्फ इस उंगली के सही इस्तेमाल से क्या हम अब आने वाले 5 सालों का फैसला नहीं कर सकते? नहीं। लेकिन आज हम करेंगे, अब से हम बिना किसी मजहबी बुनियाद पर, बिना किसी फिरके पर, बिना किसी फेवरेटिज्म पर, बिना किसी फेवरेट पॉलिटिशियन पर, बिना किसी दूसरे शख्स की राय पर हम ये फैसला करेंगे कि हम इस उंगली की अहमियत को जानेंगे। और इस बार अगर हमारे दरवाजे पर कोई पॉलिटिशियन, कोई भी शख्स जो वोट लेने आएगा, जो हमारे बड़ों से कहेगा कि वोट सिर्फ हमारी पार्टी को आने चाहिए, आपके घर के, हम उससे ये सवाल करेंगे भाई कि तुम आने वाले 5 सालों में मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे? ठीक है समरिया, अगर मुझे नौकरी रोजगार नहीं मिला तो मेरे लिए क्या करोगे? अगर मैं एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करोगे? मेरे आने वाले मुस्तकबिल, मेरे पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? हम ये सवाल करेंगे। हम लोग ये जानना पसंद करते हैं कि जी वो मेरी गली बनवा देगा, वो मेरी गली से कचरा उठवा देगा, मेरा मोहल्ला शानदार हो जाएगा, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे पाकिस्तान को बेहतर करेगा या नहीं करेगा। नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस उंगली की कितनी अहमियत है। इस उंगली की अहमियत इतनी है कि आपका एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। जब आप वोट कास्ट नहीं करते तो आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि हम सब पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे होते हैं। आप जानते हैं आपके एक वोट से पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल, भविष्य का फैसला हो रहा होता है, लेकिन आप जब वोट कास्ट नहीं करते तो आप जानते कि इसमें आपका नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और मेरे पीछे का बैकग्राउंड सिंपल सा कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताएं। सो मेरा जरीन राजपूत ख्वाजसा ट्रांसजेंडर का यही मैसेज आप सबको कि इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और मैं आपको बता दूं, रुकिए हमारी पॉलिटिशियन यानी कि हमारी ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट नयाब अली इलेक्शन 2024 में खड़ी हुई हैं, जो कि इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका इंतखाबी निशान है मिर्च, तो आपने 2024
में जब वोट करें तो प्लीज मिर्च पे अपने ठप्पा लाजमी लगाना है। हमारी नयाब अली पाकिस्तान की तारीख में ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो आपने उन्हें सपोर्ट करना है। एंड आई एम प्राउड कि आप नयाब अली जी आप खड़ी हुई है इलेक्शन में। और हम सब कम्युनिटीज जितने भी मार्जिनलाइज तबके हैं, जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप हैं या जो भी लोग हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो पर ज़्यादा कर दीजिएगा लाइक, एंड अगर आप मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।